नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे क्या नवरात्रि के समय में शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं या नहीं लेती। आज जानेंगे उन पांच संकेतों के बारे में। अगर शक्तियाँ परीक्षा ले रही हैं तो ये पांच संकेत आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। साथ में देखिए, नवरात्रि के समय में शक्तियाँ खुद ही आपके घर पर आती हैं। आपको केवल उनका इंतजार करना है, उनकी इच्छा भाव व मन अनुसार उनकी पूजा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, उनकी सेवा मन अनुसार आप लोगों को करनी है। जो साधक सेवा भाव से उनकी पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि के समय में, उनको बड़े ही आसानी से माँ के दर्शन हो जाते हैं, बड़े ही आसानी से उनको माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो साधक भक्ति भाव को छोड़कर अन्य विचारों को साथ लेकर चलते हैं कि सीधे माँ को देखना ही देखना है, माँ के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं या मुझे कोई न कोई अनुभव माँ का जरूर करना है, तो आपके मन में उस सेवा भाव वो सेवा भाव निकल कर एक अपने ही जैसे कि एक एहसान पूर्वक जो भाव आपके मन में जब आ जाता है, तो ऐसे में शक्ति आपकी परीक्षा लेंगी ही लेंगी। क्योंकि जब आप उनको एहसास दिलाते हो कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं आपके नाम से व्रत रखा हूँ, तो आप ज़रूर आओ, आपको आना ही होगा। देखिए, माता रानी तो आपके घर पे रहती ही है, नवरात्रि के समय में आप लोगों के घर पे रहती ही हैं। तरह भक्ति भाव से आप पूर्ण मन अनुसार पूर्ण भाव अनुसार उनकी पूजा करेंगे तो आपको माँ दर्शन भी देंगी, जो आपकी मनोकामनाएँ हैं वो पूर्ण भी करेंगी। अब इसी प्रकार बात आती है कि आप लोग कैसे जानोगे। मान लीजिए आप भी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, माँ को बुलाते हैं। काफ़ी साधकों की परीक्षा माँ उनके मन अनुसार ज़रूर लेती है। देखिए आपके साथ होता क्या है, सबसे प्रथम संकेत जब भी आप लोग महसूस करेंगे कि आप लोग औरों के अनुभव सुनते होंगे कि उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ है और किसी व्यक्ति ने एक ऐसी साधना की उसके साथ ऐसा अनुभव हुआ है, ठीक है, तो वही बातें आप लोगों के मन में रहती हैं और आप लोग पूजा में बैठ जाते हो। तो आपने महसूस किया होगा कि पहले दिन कोई भी असर नहीं, दूसरे दिन कोई भी प्रभाव नहीं, तीसरे दिन कोई भी प्रभाव नहीं। कई बार जो अनुभव है वो आपको कुछ दिनों बाद आने शुरू होते हैं, क्योंकि शक्तियाँ भी आपका विश्वास देखना चाहती हैं। काफ़ी साधक माँ के दर्शन के लिए माँ को संकल्प ले लेते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ आपके नाम से। जो भी आप संकल्प लेते हैं जिस भी प्रकार से, तो माँ आपको दर्शन देने ही देने, वह माँ आपको दर्शन देती ज़रूर है, लेकिन चाहे वो किसी भी रूप में दे। वैसे में भी माँ आपकी सहनशीलता को परख सकती है कि आप लोग इतने समय तक पूजा करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार नवरात्रि से एक दो दिन ऊपर भी हो जाता है जब माँ परीक्षा लेती है आप लोगों की। इस तरह का अनुभव भी आपको हो सकता है। बात आती है दूसरे संकेत की कि अगर शक्तियाँ आपकी नवरात्रि के समय में परीक्षा लेती हैं तो आपके साथ क्या होगा। आप लोग जब भी पूजा पाठ करेंगे, आपके मन में आपके विचारों में जो भी मंत्र जपते हैं आप लोग, उसको भूलना शुरू हो जाएंगे। पहले आप बेशक उस मंत्र को जप करते हो या फिर आप जब भी पूजा पाठ करेंगे उस मंत्र को दोहराएंगे, बार बार दोहराने से उस मंत्र को ही भूलना शुरू हो जाएंगे आप लोग। यह भूलना शुरू हो जाएंगे कि आप ध्यान में बैठे हैं, बहुत ही गहरी नींद और आलस आप लोगों को आना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इस प्रकार के अनुभव भी आप लोगों को नज़र आ सकते हैं। कई बार डरावने अनुभव भी आपको आते हैं, जैसे कई बार आपको पूजा के समय पर भयानक अनुभव भी आ सकते हैं, आपको भयानक अनुभूतियाँ हो सकती हैं। जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा के समय पर इस तरह का आभास आपको आता है जैसे आपके चारों ओर कोई ना कोई घूम रहा है, चारों ओर कोई ना कोई आपके आसपास है, आपके आसपास कोई बोल रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, या किसी भी प्रकार से आपको कोई आवाज़ लगा रहा है, शायद आपके पीछे कोई है, शायद आपके शरीर को किसी ने छुआ है। इस तरह से आपका ध्यान भंग होता है और आप लोग उनकी परीक्षा ही है ये भी, क्योंकि मानसिक रूप से शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं। सहनशीलता आप लोगों की परखती हैं, अगर कोई भी शक्ति है जो आपकी परीक्षा लेना चाह रही है। अगर इस प्रकार का कोई संकेत मिलता है तो आप जान सकते हैं कि शक्तियाँ आपकी परीक्षा ले रही हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की
तीसरा संकेत इस प्रकार से है कि काफ़ी बार जो आप अखंड ज्योति नवरात्रि के समय जलाते हैं तो आपसे कुछ गलती हो जाती है, या फिर आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे कोई सामान हिल डुल चुका है, जैसे नारियल का एक साइड रखा जाना या फिर वहाँ पे कोई सामान गिर जाना, इस प्रकार का आपको महसूस होता है कि जैसे जहाँ भी आपने अखंड ज्योति जलाई हुई है वहाँ पर कोई ना कोई सामान आपका बिखर जाना। आप समझ जाते हो, आप यह सोचते हो कि कहीं ना कहीं मेरी पूजा में कोई बाधा है जिसकी वजह से ये पूजा स्वीकार नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी माता रानी आती है तो इसी प्रकार से आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। जहाँ पर आप शक्तियों का भोग रखते हो वो उस स्थान पर भोग नहीं मिलेगा, या फिर कोई ना कोई हलचल आपको ज़रूर मिलेगी जिससे आप जान सको कि माँ रानी माता रानी आपके घर प्रवेश कर चुकी हैं, वह मंदिर में है। साथ में काफ़ी बार आपके साथ क्या होता है कि आपके शरीर पर एक गहरा आलस आना शुरू हो जाता है। कुछ दिन तो आप लोग अपनी पूजा को करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद आपके शरीर पर आलस आता है, आप लोग पूजा ही नहीं कर पाते हैं, पूजा में बैठते हैं नींद के झोंके आप लोगों को बार बार आना शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि के समय पर इस प्रकार का आपको अनुभव हो सकता है, नींद के झोंकों में आपको बहुत ही गहरा आलस आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप लोग सो रहे थे या पूजा में जप कर रहे थे। इस प्रकार के अनुभव भी आप लोगों के साथ में अगर होते हैं तो आप जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शक्तियाँ की परीक्षा ले रही हैं, आप लोगों को सतर्क होकर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। साथ में इसी प्रकार से जो आपको चौथा संकेत मिलता है वो सपनों के माध्यम से मिलता है, लेकिन अब बात आप कहोगे कि सपनों के माध्यम से अगर हमें संकेत मिलता है तो उसमें परीक्षा कैसे हुई। परीक्षा इस प्रकार से होती है, देखिए कई बार शक्तियाँ आप लोगों को बहकावे में डालती हैं, जैसे आपको सपने में गलत चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, कई बार शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, आपको नाराज होते हुए दिखाई देती हैं, क्रोध रूप में दिखाई देती हैं, कई बार आप लोगों को भूत पिशाच दिखाई देते हैं, इस प्रकार के सपने आपको आते हैं। साथ में कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे माँ आपके सामने है, माँ बिल्कुल सामने आपके आ जाती है, चेहरे के सामने आपके आ जाती है सपने में, ठीक है। कई बार आपको कोई मंत्र माँ सपने के दौरान दे देती है, कोई बीज शब्द दे देती है, कोई बात बता जाती है, लेकिन जैसे ही आप नींद से उठते हो आप उस बात को तुरंत भूल जाओगे, फिर आपको पछतावा होता है कि मेरी गलती क्या थी जिसकी वजह से मैं वो बात भूल गया, आपको पछतावा होता है। तो इस तरह से भी शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं, जो आपको सपने में बताएंगे वो आपको याद ही नहीं रहता। इसी प्रकार से आप लोगों का आता है पांचवा संकेत। पांचवें संकेत में आप कैसे जानोगे, पांचवें संकेत में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो बड़े ही कई बार आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, लेकिन फिर आपका जो नेचर है वो सही हो जाता है। और इसी प्रकार के जो शरीर का तापमान है वो आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा कि जैसे आपके शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी सर्दी महसूस होती है तो कभी ठंडक महसूस होती है, कई बार माँ आपको कुछ दिनों बाद दर्शन देती है, कई बार आपको अनुभव डरावने हो जाते हैं, कई बार आपको आवाज़ आ जाती है जैसे कोई चिल्ला रहा है आपके आसपास, इस तरह के अनुभव भी आप लोगों को हो सकते हैं। शरीर में हल्का दर्द, जैसे आप ध्यान में बैठते हो आपके शरीर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, आपके कंधे भारी हो सकते हैं, आपका सर भारी हो सकता है, इस प्रकार के अनुभव आप लोगों को तुरंत हो सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, माँ की सच्चे मन में भाव से पूजा पाठ करते रहें, आप सफल जरूर होंगे। साथ में बताती है कि देखिए माँ आपके घर पर विराजमान रहती है, इसलिए आप लोगों की अधिक परीक्षा नहीं होती। जो साधक अन्य शक्तियों की कृपा पाते हैं, उनको सिद्ध करते हैं, उन साधकों की परीक्षा ज़रूर होती है। माँ के गणों की पूजा करते हैं, जो माँ के अन्य गणों की शक्तियों की पूजा करते हैं उनकी साधना उनकी परीक्षा ज़रूर होती है, और वह उस शक्ति के मुताबिक ही होगी। साथ में अगर आपके साथ कोई समस्या, आपके घर में कोई समस्या, आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, मैं अपनी समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।